सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC ने आज आप लोग देखोगे भी सारे जो मूवमेंट है वो ब्रेक किए हैं। और इस स्टॉक को लेकर मैंने आपको बोला भी था, अगर ये स्टॉक एक बार 100 रुपये प्लस निकलता है तो इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 100 के ऊपर में होगी। और वो यहाँ पर आप लोगों के सामने भी भले ही 10 पैसे ऊपर में हो, क्लोजिंग तो ऊपर में हुई है ना, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव संकेत रहे हैं भाई। स्टॉक काफ़ी टाइम से आप लोग देखो 2-3 दिन से पिछले जो ना भी बिल्कुल शांत मोड में था। हाई लगाया 100 का, उसके बाद नीचे गया 93, 94, 90, 92 के आसपास जो ना स्टॉक घूमा। लेकिन पीछे की वीडियो में आपको एक ही बात बोली, जिनकी होल्डिंग है बैठे रहो भाई कुंडली मार के। और आपको यहाँ पर जो ना भी लगभग ये जो स्टॉक है वो 115 से लेकर 125 रुपये तक के मूव ऊपर में दिखा सकता है। और ये रहने वाले देखो भी आगे आपको 3 बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे। 3 बड़े इवेंट्स कौन कौन से हैं? Q3 रिजल्ट आएंगे जनवरी के अंदर, उसके बाद आप लोग देखोगे फरवरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा बजट के साथ साथ हाथों हाथ आने वाले 2024 में इलेक्शन। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में और उफान आएगा भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है बस। मार्केट में उफान अभी बाकी। आज फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए ये स्टॉक अभी और ज़्यादा रैली पर दिखाएगा। लेकिन स्टॉक में एक बीच में अड़चन आ सकती है, और वो अड़चन क्या है? OFS, ऑफर फॉर सेल। लेकिन देखो भाई, उसके बारे में मैंने आपको बार बार बोला है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि देखो सर एकदम अगर आ गया तो बहुत धोखा होगा, ठीक है, इसलिए हम खरीद नहीं रहे हैं। देखो भाई, वो तो अब क्या बताएं, ठीक है, उसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता भी आज आए कल आए कभी भी आ सकता है भी वो तो, ठीक है। लेकिन आएगा ज़रूर, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि ये सेबी का रूल है भाई। 75% से ऊपर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो उन्हें बेचनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये अगर नहीं करता तो भाई कंपनी के ऊपर पेनल्टी वगैरह है, फाइन वगैरह वो सब कुछ लगेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसके आगे के क्या कुछ मोमेंटम रहेंगे। 100 प्लस में स्टॉक ने क्लोजिंग ली है, फ्रेश हाई आज के दिन फिर लगा लिया है। और 36,97,00,000 की हाई वॉल्यूम आज फिर से लगते हुए नजर आई है। तो चलिए देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी IRFC का जो डाटा वगैरह देखने को मिला उन सबको देखते हुए प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? 94.35। ओपन कहाँ पर हुआ? 94 रुपये 95 पैसे के भाव में। 94.50 तक नीचे में गया। उसके बाद तो पूरा मार्केट की का माहौल ही चेंज कर दिया अभी स्टॉक ने। सीधा ऊपर पहुंचा भी 101 रुपये 50 पैसे तक, एक फ्रेश हाई लगाया। क्लोजिंग है 100 रुपये 10 पैसे के आसपास हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 7000 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर लगा। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो ये 18% डिलीवरी थोड़ी कम उठते हुए नजर आई, लेकिन उठते हुए तो इसके अंदर ये अभी 20% के आसपास, 20-25% के आसपास, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक ने एक हाई आज के दिन बनाया है, ठीक है, अपने ऊपर में रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है अभी स्टॉक, ठीक है। 100 रुपये 10 पैसे के आसपास है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है इसका? लगभग 100 रुपये 90 पैसे के आसपास, यानी 101 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन करता है तो आप लोग देखोगे ऊपर में स्टॉक है, ये आपको 115 से 125 तक के मूव ऊपर में दिखा सकता है। बट इस टाइम आपको जो अभी नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए 97 रुपये 85 पैसे का, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि अगर एक बार 97 रुपये 85 पैसे को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो 100 प्लस पक्का निकलेगा और वहीं पर सस्टेन करेगा। और आज आपको वही देखने को मिला है, हल्की फुल्की पीछे करेक्शन और उसके बाद आज फिर से ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी के टाइम अगर आप लोग एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो, फिर एंट्री आपने ले ली है, तो आपको 97 रुपये का जो ना भी नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए। और ऊपर में स्टॉक आपको 115 से 125 तक के, या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो आंख बंद करके बैठे भी रह सकते हो। अभी कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है। एंड और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस न हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।